हेलो फ्रेंड, आज 9 वाट का बल्ब रिपेयर करेंगे तो उसे सीरीज बोर्ड में टेस्ट कर लेते हैं। ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है तो डिफ्यूजर को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आसानी से चेक करेंगे। अब ये देख लीजिए, हल्का हल्का ये जल रहा है तो एक चूंटा लेते हैं। ये ऊपर से कवर किया हुआ है चूंटा के ऊपर से, ताकि ये करंट ना लगे। अब बारी बारी से आपस में ये बल्ब को शॉर्ट करवाते हैं। ये देख लेते हैं, अगर एक बल्ब अगर खराब होगा तो ये शॉर्ट कराने पे ये जल जाएगा। ये देखिए, ये बल्ब यानी पहला दूसरा तीसरा, ये बल्ब को जिसे शॉर्ट करवाते हैं तो ये एलईडी बल्ब ये जलने लगता है। ये देखिए, यानी ये बल्ब ये तीसरा नंबर वाला है, ये बल्ब ये खराब है। तो इसे टेस्टर से हल्का बल्ब को रिमूव कर दिए, यहाँ से ये बल्ब को रिमूव कर दिए। अभी ये सोल्डिंग आयरन से अगर ये बल्ब को आपस में शॉर्ट करवाएंगे ये बल्ब तो जल जाएगा और ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसके जगह हम ये डायोड लगाते हैं, ये डायोड लगाएंगे इसके जगह, ये डायोड का यूज करेंगे। ये डायोड का नंबर है IN4007 का डायोड है ये, इसे आज लगाएंगे। ये जहाँ से भी बल्ब को, जहाँ पे ये बल्ब को रिमूव किए हैं यहीं पे डायोड को लगाएंगे अभी, ताकि ये बल्ब जल्दी ख़राब ना हो पाए। यहाँ पे दोनों पॉइंट को पहले साफ कर लेते हैं सही ढंग से। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट को सही ढंग से साफ कर लिए हैं। अब ये डायोड को लगाएंगे। ये देखिए, सोल्ड करेंगे अभी। ये ब्लैक पट्टी को सोल्ड किए हैं एक साइड और एक साइड ये। ये देखिए, ये सोल्ड कर लिए हैं। यहाँ पे सोल्ड कर लिए हैं एक पॉइंट पे और ये ब्लैक पट्टी को सोल्ड किए हैं ये साइड। ये बल्ब पूरी तरह से सही हो गया। ये अब ये डिफ्यूजर को लगा देते हैं। इसे और टेस्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये सही तरह से वर्क कर रहा है। इसी तरह वीडियो चाहते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, इस तरह वीडियो मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। अब ये बल्ब जल्दी खराब नहीं होगा, ये बल्ब सही हो गया। ये देख लीजिए।